दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कहीं ना कहीं पे अपने स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड्स या दोस्तों से सेंसर के बारे में ज़रूर सुना होगा, या आपने कभी रोबोटिक कार जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यूज किया होगा। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि सेंसर मोबाइल में भी यूज होता है, टीवी में भी यूज होता है, कार्स में भी यूज होता है, स्पीड लिमिट पकड़ने के लिए भी यूज होता है, साथ ही साथ में और भी बहुत जगह यूज होता है। तो सेंसर आखिर काम कैसे करता है, और सेंसर को किसने बनाया, और सेंसर आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, और कहाँ कहाँ ये यूज होता है, सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। आप थोड़ा सा अगर टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, इस तरीके की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए बात करते हैं कि सेंसर होता क्या है। आखिर टेक्निकल लैंग्वेज में हम बात करें कि सेंसर होता क्या है, तो भैया विकिपीडिया के अनुसार सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो भौतिक राशि को मापने का कार्य करता है तथा इसे ऐसे संकेत में परिवर्तित कर देता है जिसे किसी पर्यवेक्षक या यंत्र द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यह है कि ये किसी चीज़ को ऐसे मापता है, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने मोबाइल में कॉल किया किसी को, तो जब आप उसको अपने कान के पास लेके जाओगे तो सेंसर को लगेगा कि आपका मोबाइल आपके कान के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो वो उसको मापेगा और तुरंत उसको कन्वर्ट कर देगा सिग्नल्स में और भेज देगा आपके मशीन के, मतलब आपके कंप्यूटर, जो छोटा सा कंप्यूटर है आपका या ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो मोबाइल में जो है, वो उसको देखेगा और चेक करेगा, इसके बाद में आपकी डिस्प्ले को वो ऑफ़ कर देगा। तो सेंसर का काम ये होता है कि वो जो भौतिक चीज़ें होती हैं उनको एक कंप्यूटराइज्ड या मशीनरी लैंग्वेज में जो कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम लोग सेंसर का काम करना बोल सकते हैं। सीधी सीधी बात मैं आपको बोलूं तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी 50 की लिमिट के ऊपर चलाई और सेंसर लगा है रोड पे, तो जैसे ही आप 50 के ऊपर जाओगे तो सेंसर तुरंत डिटेक्ट करेगा। देखिए आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं तो ये कुछ ऐसे काम करेगा, मान लीजिए आप किसी चौराहे से निकल रहे हो और वहाँ पर स्पीड लिमिट लगी है 40 किलोमीटर, और आप लेके जाते हो अपनी गाड़ी को 80 किलोमीटर, तो सेंसर तुरंत आपको जो स्पीड होगा गाड़ी का डिटेक्ट करेगा और तुरंत मशीन के पास डेटा भेज देगा, जिससे कि आपके ऊपर चालान बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं सबके अपने अपने अलग अलग सेंसर होते हैं और अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं। बात करते हैं कि सेंसर को किसने बनाया। तो दोस्तों, पहले दबाव सेंसर का आविष्कार 17वीं शताब्दी में हुआ था, जब ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने गैस के दबाव और आयतन के बीच विपरीत संबंध की खोज की थी और गैस के दबाव को मापने के लिए एक उपकरण उपयोग किया था, उसी को हम लोग सेंसर, पहला सेंसर बोलते हैं। ये जानकारी मुझे गूगल से मिली थी। तो दोस्तों, आज के टाइम पे सेंसर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक उपकरण है, और ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट काम करता है। अब बात करते हैं कि सेंसर कितने प्रकार का हो सकता है। तो दोस्तों, प्रकार तो बहुत सारे हैं इसके, देखिए मेरे पास जितने हैं मैं आपको उतने बता देता हूँ। तापमान सेंसर, निकटता सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, आईआर सेंसर, प्रेशर सेंसर, लाइट सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, स्मोक, गैस और अल्कोहल, और भी बहुत सारे जो सेंसर होते हैं वो होते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी आपने सुना होगा, जायरोस्कोप सेंसर, बहुत सारे सेंसर्स। तो ये सेंसर के बारे में मैंने जितनी ज़्यादा जानकारी थी आपको दे दी। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।